तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। तो आए एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है नॉर्मलता, क्या होता है नॉर्मेलिटी और क्या होता है मोलरता या फिर मोलैरिटी। अलग अलग चीज़ें दोनों, मोलरता और मोलैरिटी दोनों अलग चीज़ें। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जनरली जो है वो बात करेंगे किसकी, नॉर्मलता की, कि नॉर्मलता जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता जो होता है किसी विलयन में, किसी एक लीटर के विलयन में जो उसके विलेय जो हैं उसके तुल्यांकी भारों की जो संख्या है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलता, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर यानी कि विलयन चैप्टर से जो कि लिया गया है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है नॉर्मलता, कि किसी एक लीटर विलयन में जितने उसके विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या जो होती है वही हमारा क्या होता है, वो हमारा कहलाता है नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, तो ये हमको तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, देखिए तुल्यांकी भार जो होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है कि भार और बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम तुल्यांक मतलब क्या होता है, तो ग्राम दिया रहेगा आपको विलेय का ग्राम और बटे में तुल्यांकी भार उसका आपको निकालना पड़ेगा। ये भी मैंने वीडियो बना रखी है तुल्यांकी भार की। ठीक है, तो भार तुल्यांक अगर आपको निकालना है, तुल्यांकी भार अलग हो जाएगा, ये भार तुल्यांक अगर आपको निकालना है, भार तुल्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम बटे में तुल्यांकी भार, ये होता है हमारा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो किसी एक लीटर के विलयन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी एक लीटर के विलयन में जो उसके विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वही हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाता है। और हम लोगों को पता है कि जो भार तुल्यांक है वो कैसे निकलता है, भार तुल्यांक यानी कि भार बटे में तुल्यांकी भार, तभी तो हो गया भार तुल्यांक। अगर यूनिट इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम और यहाँ पे ऊपर जाएगा तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो वही ग्राम तुल्यांक बराबर या फिर भार तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम बटे तुल्यांक की भार हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मलता। एक लीटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्या है वो है कि एक लीटर आयतन में, किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उसके विलेय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं या फिर नॉर्मेलिटी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से नॉर्मलता का आपको एक और फार्मूला दिया रहता है कि अगर आपको मान लीजिए अणुभार पता है आपको, ठीक है, अणुभार पता है आपको, मोलरता आपको मतलब आपको मोलरता दे दिया हो, एम जो है वो दे दिया हो, कैपिटल एम इसको बोलते हैं मोलरता को, कैपिटल एम दे दिया हो, अणुभार आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, और तुल्यांकी भार भी निकाल लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट जो है वो मोलरता दे करके आपसे नॉर्मेलिटी पूछ लेता है। तो मोलरता जब आपको दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे कि नॉर्मलता गुणे में तुल्यांकी भार बराबर में मोलरता और गुणे में अणुभार। तो ये है एक दूसरा नॉर्मलता का जो है वो फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी का एक दूसरा फॉर्मूला कि नॉर्मलता गुणे में तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार भार बटे में तुल्यांकी भार। ठीक है, उसके बाद से मोलरता गुणे में अणुभार, मोलरता आपको दिया रहेगा, तुल्यांकी भार भी दे देता है कई क्वेश्चन में, बस अणुभार जो है वो निकालना पड़ता है आपको। ठीक है, चलिए, तो वो अणुभार जो है वो निकालना पड़ेगा, वाष्प घनत्व बराबर 2D वाला, ठीक है, BD वाला, तो उसको हम लोग अगले किसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की तो हो गई, इसमें बात करते हैं हम लोग अब मोलरता की, कि मोलरता क्या होती है। तो देखिए मोलरता यानी कि मोलरता या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलरता यानी कि मोलैरिटी क्या होती है, तो कहने का मतलब यह है कि मोलों की संख्या, हम लिख देते हैं फॉर्मूला पहले यहाँ पे, मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किस में, लीटर में, बस ये चीज़ याद रखना है कि मोलरता यानी कि कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम उसको बोलते हैं कि एक लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, यानी कि मोलरता बोलते हैं। ठीक है, और हमारा मोलों की संख्या कैसे निकलती है, यानी कि एन जो है वो कैसे निकलता है, भार बटे में अणुभार। ठीक है, मोलों की संख्या बटे में भार बटे अणुभार होता है, वेट आपको दिया रहेगा, अणुभार उसका निकाल लेंगे आप लोग तो निकल जाएगा। ठीक है, भार बटे में अणुभार, ये आपका क्या होता है, मोलरता होता है। ठीक है, जो भी उसने पदार्थ दिया रहेगा चाहे कुछ भी दिया हो आपका, तो भार बटे में अणुभार करके हम लोग मोलों की संख्या यानी कि जो है एन जो है वो निकाल सकते हैं। तो किसी और वीडियो में इसके हम लोग क्वेश्चन जो है वो किया जाएगा, बस करते अभी आप लोग मोलरता की जो है फॉर्मूला देख लीजिए कि एक लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या प्रेजेंट होती है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, यानी कि कैपिटल एम बोलते हैं। और मोलों की संख्या निकालने का यानी कि एन जो है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार जो है आपको दिया रहेगा, अणुभार जो है वो आपको निकाल लेना पड़ेगा। अणुभार आपको पता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 हो गया, नाइट्रोजन का 14 अणुभार कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो अणुभार क्या कहते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का भार जो है आपको 28 ग्राम आपको दे दिया है, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, मोलों की संख्या एन निकालनी है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे में अणुभार। तो भार कितना दिया हुआ है, 28, और इसका नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो 14 होता है। तो 14 × 28 एन की मोलों की संख्या कितनी निकल गई, 2 निकल गई, ठीक है। तो मोलों की संख्या ऐसे निकाली जाती है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलयन में, मतलब किसी एक लीटर आयतन में, विलयन के एक लीटर आयतन में जितने मोलों की संख्या उसमें प्रेजेंट होती है वही क्या कहलाती है, आपकी मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन उसके पहले एक जानकारी कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक में आपको केमिस्ट्री के 24 चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स के भी 24 चैप्टर पढ़ने हैं और मैथ के आपको 50 चैप्टर पढ़ने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी चैप्टर आपको फुल एक्सप्लेन वीडियो के साथ मिले जिससे आप पॉलिटेक्निक आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर POLY लिखकर, पॉली लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल, या फिर तो पेड क्लास में आपको इन सभी के फुल एक्सप्लेन वीडियो मिलेंगे और साथ में आपको 5000 क्वेश्चंस के PDF दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी अगर तो लाइक करेगा और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।